स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोद पे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे किया जाए, मंडूकासन करने के क्या लाभ हैं और मंडूकासन किसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंडूकासन कैसे किया जाए। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हम पोजिशन लेते हैं, इस प्रकार से हम वज्रासन में आ जाए। पीछे से आप इस प्रकार से पंजों को मिला लें और एड़ियों को खोल लें और उसके मध्य में बैठ जाएं। ये पोजीशन रहेगी, ये मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें। ये स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे। अब मैं वापस आगे आ जाता हूँ, इस प्रकार से आगे। अब हम दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर लेंगे, इस प्रकार से मुट्ठियाँ बंद कर लेंगे। दोनों मुट्ठियों को नाभि के एक इंच राइट और एक इंच लेफ्ट दोनों को यहाँ स्थापित करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर पूरे श्वास को यहीं पर हम खाली कर देंगे और श्वास खाली करके पेट को दबाएंगे, यानी उद्यान बंद लगाएंगे। उद्यान बंद का मतलब जब हम पेट को अंदर की ओर खींचते हैं तो उद्यान बंद कहते हैं उसको, और खाली करके फिर हम आगे की ओर इस प्रकार से झुकेंगे और सामने की ओर देखेंगे। दृष्टि सामने रहेगी, गर्दन सामने रहेगी। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो गर्दन को बिल्कुल भी नीचे ना करें, जिन लोगों को कमर दर्द है वो इस आसन को आगे की ओर झुकने वाला आसन है क्योंकि ना करें। यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकंड के लिए रुकें, और क्योंकि 30 सेकंड अगर आपसे सांस नहीं रोकी जाती है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सांस ले सकते हैं। सांस लेते रहें और फिर सांस भरते हुए इस प्रकार से वापस आ जाए। इस प्रकार से मंडूकासन करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, हमने मुट्ठी बनाई, अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के दाएं बाएं इसको लगाया, सांस भरा, सांस यहीं पर खाली कर दिया, फिर आगे की ओर झुके। ध्यान रहेगा इसमें हमारे हिप्स नहीं उठने चाहिए, मैं आपको साइड के एंगल से दिखाता हूँ। इस प्रकार से जैसे मैं गया तो ये यहाँ लगाया, हिप्स नहीं उठ रहे हैं। इस प्रकार से मैं आगे गया और ये मैं आगे की ओर देखूँगा और यहाँ पर रुकने का प्रयास करें, धीरे धीरे फिर हम वापस आते। इस प्रकार से मंडूकासन किया जाता है। मंडूक का मतलब है मेंढक, यानी मेंढक फ्रॉग पोज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया आसन है जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से दबाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज दबते हैं, और जब हमारे पैनक्रियाज यहाँ पर दबते हैं तो उससे इंसुलिन रिलीज़ होता है, और जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो आपको शुगर की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको डायबिटीज़ से रिलीफ मिलता है, आपके पेट की जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको अपच रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें आराम मिलता है, आपके पेट में जो टाइटनेस होती है, जो पेट जिन लोगों का अकड़ा हुआ रहता है उसमें आपको रिलीफ मिलता है, आपके यहाँ पर किडनी और लीवर और इंटेस्टाइन ये आपके बिल्कुल ओके हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उसके अलावा उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को अगर उन्होंने कोई पेट की सर्जरी करवाई है, या उनको कोई अल्सर की शिकायत है, या फिर उनको हर्निया की शिकायत है, या फिर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। ये आसन उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है, उन खासतौर पर उन फीमेल्स के लिए जिन लोगों को साइकिल की प्रॉब्लम है, साइकिल रेगुलर नहीं रहता है, और आपके जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ये बैलेंस करता है। तो मंडूकासन बहुत ही शानदार आसन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे एक मित्र थे जिनको कैंसर हो गया था, तो जब कैंसर हो गया था तो उसको थेरेपी लगती, जब हम इलाज करते हैं तो थेरेपी लगने से पहले क्या होता है कि आपको ब्लड टेस्ट होते हैं और डायबिटीज़ का टेस्ट होता है। तो अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या आपके ब्लड के टेस्ट प्रॉपर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो थेरेपी नहीं देते हैं। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या करें। तो
मैंने उनको एक बार कहा था कि भाई अगर आप ऐसी प्रॉब्लम है तो जब भी आप उसके लिए जाते हो थेरेपी के लिए, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप इस प्रकार से मंडूकासन जाने से 10 मिनट पहले कर लिया करो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 3-4 बार किया, और ये 100% बात है कि उनकी डायबिटीज़ जो शुरू में थी और मंडूकासन करने के बाद में थी, उसमें रात दिन का अंतर आ जाता है। आपकी डायबिटीज़ अगर नॉर्मल आ गई तो आपको थेरेपी मिल जाती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको जो उनके साथ हुआ। इसके अलावा इसको हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं। तो ये थे मंडूकासन के बेनिफिट्स। इसके बाद हमें एक काम और करना है, जब हम मंडूकासन कर लेते हैं, इसको आप 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी कर सकते हैं, जितनी आपको प्रॉब्लम है, जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। 5-6 बार करें, 7 बार करें, 8 बार करें। उसके अलावा इसको करने के बाद में हम, क्योंकि हम आगे की ओर झुकते हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखने वाले कि हम पीछे भी झुकें। तो इस प्रकार से हम अर्ध उष्ट्रासन जिसको कहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर रख लेंगे दोनों हाथों को, सांस भरेंगे, दोनों पंजों को, इनको घुटनों को खोल लेंगे और ऐसे पीछे की ओर जाएंगे सांस भरते हुए, और यहाँ पर रोक के रखेंगे अपने आप को, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस खाली करते हुए आ जाएंगे। जब भी हम कोई भी आसन करते हैं, तो जब हम आगे झुकने का आसन करते हैं तो पीछे झुकने का भी करना चाहिए। अगर हम दाएं झुकने का करते हैं तो हमें बाईं तरफ भी झुकना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस रहे। तो ये था आज का मंडूकासन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।